के सुबह 11:15 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे अखिलेश यादव। एयरपोर्ट से बलिया के लिए रवाना होंगे। साथ ही साथ 3:20 पर पुनः बाबतपुर पहुंचेंगे अखिलेश यादव और वाराणसी में ही आज रात्रि विश्राम भी करेंगे अखिलेश यादव। 10 फरवरी को 11 बजे निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे। गाजीपुर से लोकसभा चुनाव का आगाज करेंगे अखिलेश यादव। स्वर्गीय कैलाश यादव की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। दोपहर 2 बजे लुटावन महाविद्यालय पहुंचेंगे अखिलेश यादव। संजय हमारे साथ बने हुए लगातार। संजय, ये दौरा पूर्वांचल के लिए कितना महत्वपूर्ण है, आगाज कर रहे हैं अखिलेश यादव? हाँ बिल्कुल, 24 के आगाज में लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगे हुए हैं और यही वजह है कि पिछले कई महीने से मैनपुरी के उपचुनाव के बाद से लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जिलों के दौरे पर हैं। अभी तक बुंदेलखंड या रुहेलखंड के इलाकों में लगातार दौरे थे, लेकिन अब पूर्वांचल से उस दौरों के जरिए आगाज करेंगे 2024 का। तो आज तकरीबन 12 बजे बनारस पहुँचेंगे और कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बलिया पहुँचेंगे और उसके बाद रात विश्राम आज ही बनारस में होगा, लेकिन कल गाजीपुर से 2024 का आगाज होगा, जहां यूपी की सरकार इन्वेस्टर समिट से कहीं ना कहीं विपक्ष को 2017 के पहले के तमाम मुद्दों पर कोसती नजर आएगी, तो उनका जवाब भी वो गाजीपुर से देते हुए सेकेंड हाफ में नजर आएंगे। तकरीबन बताया जा रहा है कि 2 बजे तक वो गाजीपुर पहुंचेंगे और वहां लोगों को संबोधित करेंगे, एक मूर्ति का अनावरण करेंगे। तो 24 की तैयारी को लेकर के अब स्थलीय जो तैयारी है उसका जायजा खत्म हो गया है और अब मंचों से उन तमाम तैयारियों को लेकर के उसको परिणाम में बदलने का जो कार्यक्रम है वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लगाना शुरू कर दिया है। पूर्वांचल खास विधानसभा चुनाव में विशेष प्रेम पूर्वांचल का कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को मिला था और यही वजह है कि आगाज भी पूर्वांचल से ही करना चाह रहे थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो आज जो बनारस के दौरे से शुरुआत इसकी होगी और कल गाजीपुर में पहली, यह कहा जा सके 24 की पहली रैली का भी आगाज होगा। बिल्कुल, यानी कि यहां से शंखनाद होगा, अखिलेश यादव पहुंचेंगे और पूर्वांचल की अगर बात करें तो विशेष लगाव है समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को और मुलायम सिंह यादव को भी था, और ऐसे में अगर वो वहां पर पहुंचते हैं तो संदेश कुछ अलग ही जाएगा। संजय, बिल्कुल, इसके पहले आपने देखा कि शिवपाल यादव जैसे ही सक्रिय सपा में सक्रिय हुए उसके बाद सबसे ज़्यादा उनके दौरे अगर कहीं के लगे हैं तो पूर्वांचल के। तो ऐसे में जो परसों के समय शाम में करीब तकरीबन 45 मिनट समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव के बीच जो मंत्रणा हुई और उस मंत्रणा का निष्कर्ष यही निकला है कि पूर्वांचल से ही 2024 का आगाज होगा, तो ऐसे में तमाम उन पिछड़े कार्यकर्ता जो निष्क्रिय हो चुके थे उनको भी जोड़ना है और जिलेवार जा करके उनसे मिलना है और संगठन को भी खड़ा करना है। साथ ही साथ 24 का आगाज कल से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं, तो ऐसे में पूर्वांचल अपने आप में खास महत्व रखता है क्योंकि गोरखपुर से खुद जो सीएम योगी आदित्यनाथ आते हैं और बनारस से खुद पीएम मोदी जो यहां से सांसद है और पूर्वांचल को साधने का पूरा प्रयास बीजेपी भी कर रहे, तो ऐसे में पूर्वांचल को मजबूत और बनाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए संजय। फिलहाल लखनऊ से अगली खबर है, सीएम योगी आदित्यनाथ